मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मम्मी भी बिल्कुल ठीक हैं, पहले से काफ़ी बेटर है मम्मी। तो यहाँ सुबह के बज रहे थे अभी 6:30 और आज है मंडे, तो मैं उठ चुकी हूँ बहुत जल्दी। मैं जब से तबीयत ख़राब मेरी हुई है, मम्मी की हुई, जब से मैं बहुत जल्दी उठने लगी हूँ सो के। तो यहाँ छुन भी सो रही थी अभी, तो मैं थोड़ा सा उसको लाडी लाडी कर रही हूँ, क्योंकि उसके उठने के बाद उसको लेके जाना पड़ेगा मुझे बाहर। और उसको ये लगता है कि अगर मैं उससे पहले सो के उठ गई तो उसे ये डर रहता है कहीं अकेली बाहर ना चली जाए, अकेली घूमने ना चली जाए, तो मुझसे पहले उठ जाती है। ये देखो सो नहीं रही है, नाटक कर रही है सोने का। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग। चुंचा चुनचुन को लेके आ चुकी हूँ बाहर, और ये मेरे हाथ में है ट्रीट, जो कि मैं स्ट्रीट डॉग को देने के लिए जा रही हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बातें कर रही हूँ, कुछ बता रही थी, लेकिन पीछे साउंड चल रहा है इसलिए मैंने अपनी वॉइस म्यूट कर दी है। मैं आप लोगों को यहाँ यही बता रही थी कि मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आज मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने फर्स्ट डे ब्लॉगिंग की थी, वैसा फील हो रहा था मुझे। कौन है, कौन है, कौन है चुनचुन, कौन है? आजा आजा आजा, कोई नहीं है, चलो आजा। और जब तक मैं बाहर से चुनचुन को लेके आ गई हूँ, तो नेहा भी यहाँ सो के उठ चुकी है। घर आने के पास सिस्टर ने, मतलब अंजलि ने बनाए थे पोहा नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी थी, मम्मी को भी खानी थी, लेकिन मम्मी ने तो नहीं खाया, तो मम्मी ने थोड़ा सा दूध ले लिया था, टोस्ट ले लिए थे दो, तो हम लोग यहाँ पोहा खा रहे थे। क्योंकि मुझे मेडिसिन खानी है तो मेरे पास थोड़े से खाए गए, बाकी मैंने रख दिए। और मैंने अंजलि को बोल दिया था कि थोड़ी सी मिर्ची भी बना देना। तो यहाँ मैं चाय और पोहा खाने के बाद मैं अपनी मेडिसिन खाऊंगी, यहाँ मेरा नाश्ता हो गया। उसके बाद बीच में मैंने कोई ब्लॉगिंग ही नहीं की थी, तो यहाँ शाम का टाइम था, विश्वजीत आया था, भाई आया था, और ये दोनों रेडी हैं शादी में जाने के लिए, क्योंकि आज भाई का, और आज है भाई का बर्थडे। और हम लोगों ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था, क्योंकि मम्मी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए नॉर्मली केक मंगाया था, तो केक काट लिया था भाई ने बस, और कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था। और ये देखो मम्मी कितनी खुश लग रही हैं। और उसके बाद भाई वगैरह सब लोग चले गए थे शादी में, बट मैं, मम्मी, पापा नहीं गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और पापा हम लोगों को छोड़ के अकेले नहीं गए थे, क्योंकि पापा को टेंशन लगी रहती है दोनों की। Taken by the sunrise and the golden view, walking slowly in the mountains underneath the constellations, yeah. यहाँ सब जा चुके हैं शादी में, सिर्फ मैं और मम्मी पापा बचे हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ हम तीनों के लिए टिंडे की सब्जी। तो ये टिंडे मैंने चॉप कर लिए, साथ में प्याज और मिर्ची चॉप कर लिए, ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया, इसमें डाल दी थोड़ी सी हींग, मैंने कोई जीरा वीरा नहीं डाला है, सिर्फ मैंने हींग डाला है, हींग मैंने डाल दी है। अब प्याज चॉप की हुई और हरी मिर्चियाँ, मैं इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, और अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई होने तक मैं इसको चलाती रहूँगी। और इसमें बीच में थोड़ा सा डाल दूंगी मैं नमक, क्योंकि जिस नमक डालने से क्या है, जो मिर्ची और ये प्याज होती है वो अच्छे से पक जाती हैं और जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाती हैं। तो बस ये अच्छे से पकने वाली हैं, तो मैंने सोचा जब तक मैं काट लेती हूँ दो टमाटर, थोड़ा सा खट्टा खट्टा बनाऊँगी सब्जी, थोड़ा सा अच्छी लगेगी। और यहाँ मैंने सारे मसालों को बाउल में लेके घोल लिया है पानी में, और मैंने इसको कर दिया है प्याज और मिर्ची में अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो दो टमाटर चॉप किए थे, मैं वो दो टमाटर भी चॉप कर डाल दूँगी इसमें, और टमाटर को अच्छे से फ्राई होने दूँगी, उनको भुंगने दूँगी अच्छे से। टमाटर फ्राई होने के बाद मैंने जो टिंडे काटे हुए थे उन टिंडों को मैं इसमें डाल दूंगी, फिर टिंडों को भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, और उसमें बॉईल आने के बाद मैं डालूँ कस्तूरी मेथी। तो यहाँ देखिए मेरी सब्जी में अच्छा सा बॉईल आ चुका है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मिक्स कर दी है, साथ में मैं डाल दूंगी कुटी हुई दो लौंग,
और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद बन चुकी है मेरी यह सब्जी। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से मैं डाल दूंगी हरा धनिया गार्निश करने के लिए, जो काफ़ी देखने में बहुत टेम्पटिंग और बहुत टेस्टी लगता है। मुझे तो सच में धनिया वाली सब्जी बहुत पसंद है। और यह गरम मसाला डालने के बाद, धनिया डालने के बाद, यहाँ फाइनली मेरी सब्जी बन चुकी है और पापा को बहुत ज़्यादा लजीज लगी, पापा को बहुत पसंद आई। और डिनर करने के बाद हम सब लोग आ गए थे बाहर छुनछुन को लेके घुमाने के लिए। और डिनर सिर्फ हम तीनों के लिए ही बना था, क्योंकि बाकी सब लोग तो शादी में गए थे और तीन और भाई का बर्थडे था। हम लोगों ने कोई स्पेशल नहीं बनाया था, क्योंकि तीनों के लिए क्या बनाना था, क्योंकि मैं और मम्मी खा ही नहीं सकते हैं, पापा भी नहीं खाते हैं ज़्यादा ऑयली ना कुछ वैसा। इसे सिंपल से टिंडे की सब्जी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाई थी मैंने। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में रेसिपीज़ पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इसी मस्ती के साथ, इसी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, वॉच कीजिएगा एंड टेक केयर।